बिलासपुर नाम का गांव था। गांव के सभी लोग खेती किया करते थे और अपना जीवन हंसी खुशी बिताते थे। उसी गांव में एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। जंगल के रास्ते से कोई भी गुजरता था तो उसे अजीब और गरीब आवाज सुनाई देती थी। एक दिन मोहन अपने दोस्त रामू के पास जाता है, तभी रामू बोलता है, अरे मोहन भाई, कैसे हो और कैसे आना हुआ इतने दिनों बाद? अरे रामू भाई, मैं कल शहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, तो कल तुम मेरा खेत जोत देना। ठीक है मोहन भाई, मैं सुबह पहले आपका खेत जोत दूंगा, उसके बाद बाकी लोगों का खेत जोतूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है भाई रामू, अभी मैं चलता हूँ। अरे मोहन भाई, रोको थोड़ा, चाय तो पीते जाओ। अरे सुनती हो, रामू आया है, उसके लिए चाय बना दो। ठीक है जी, अभी बना देते हो। अरे भाई रहने दो, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, चाहे किसी और दिन। तुम्हें तो पता है जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक है, अभी मैं चलता हूँ। मोहन वहां से चला जाता है और कुछ दिनों बाद जब मोहन शहर से अपने गांव की तरफ लौट रहा था, तभी उसे जंगल से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। मोहन डर जाता है और बोलता है, अरे कौन है यहाँ? देखो मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, अगर तुमने मेरे साथ लूटपाट करने की कोशिश करी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोल के मोहन वहां से भागने लगता है कि तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, अरे वाह, आज मैं इसे नहीं चाहूंगी, आज मैं तुझे खा जाऊंगी, बहुत दिनों के बाद कोई शिकार हाथ लगा है। इतना बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ये तो वही चुड़ैल है, आज मैं नहीं बचने वाला। चुड़ैल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। ऐसा बोल के मोहन वहां से भागने लगता है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे आती है और बोलती है, भागता कहाँ है, रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर मोहन भागते भागते एक गुफा के पास चला जाता है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, इससे पहले चुड़ैल वापस आ जाए, चलो इस गुफा के अंदर जाके छुप जाता हूँ। मोहन जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, उसे एक साधु बाबा दिखता है और वो साधु के पास जाता है और बोलता है, अरे बेटा तुम कौन हो और इतने डरे हुए क्यों हो? अरे बाबा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है बाबा, जंगल के रास्ते मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई है, अब आप ही मेरी मदद करें। मुझे सब पता है उस चुड़ैल के बारे में, कुछ समय पहले किसी ने वहाँ के उसे जंगल में दफन कर दिया था, इसीलिए आज भी वो चुड़ैल जंगल में भटक रही है। अरे बाबा, अब आप ही मेरे साथ चलो। तभी मोहन और साधु बाबा जैसे ही जंगल में जाते हैं, तभी फिर से वो चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और बोलती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अरे ये तांत्रिक, हट जा मेरे रास्ते से, वरना आज तू भी मेरे हाथों से मारा जाएगा, चला जा यहाँ से, हे चुड़ैल चला जा यहाँ से, नहीं तो आज तू मेरे हाथों से मारा जाएगा, भाग जा यहाँ से, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आज तू भी मरेगा मेरे हाथों से तांत्रिक। तभी साधु बाबा अपने मंत्र से चुड़ैल को जला के भस्म कर देती है। अरे रुको रुको, यहाँ तक जब आ ही गए हो, लगता है आपको कोई वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।